सरफेस मीटर का हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें से एक और न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में पूछता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू ए पाइपलाइन ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर फ्लो हो रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर है। एन ऑरिफिस इज प्लेस्ड इन द पाइपलाइन टू मेजर द फ्लो रेट। ऑरिफिस को लगाया गया है फ्लो रेट मेजर करने के लिए। ऑरिफिस डायमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। इफ़ द मैनोमीटर रीड्स 30 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कैलकुलेट द वाटर फ्लो रेट। मीन्स क्यू का वैल्यू एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड थ्रू द पाइप। और फ्लूड का वेलोसिटी निकालना, क्या क्या दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 987 केजी पर मीटर क्यू और मर्क्यूरी का 13,600 केजी पर मीटर क्यू डेंसिटी दी है। और इफ इस कोफिशेंट या कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.6। यह हमारा क्वेश्चन हो गया है। क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। ये हमारा पाइपलाइन हो गया, ये हमारा ऑरिफिस प्लेट हो गया, ये हमारा रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर दिया है पाइप का 50 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर है D1। यहाँ से यहाँ ये D1 हो गया, तो इस मीटर में क्या हो जाएगा, ये 0.5 मीटर। इसका एरिया हो जाएगा A1 पाई बाई 4 0.5 का स्क्वायर, तो एरिया हो गया इसका 0.1963 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, ऑरिफिस का डायमीटर दिया हुआ है D0, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। तो यहाँ से A0 निकाल लेंगे, ये होगा पाई बाई 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है 0.0314 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया है 13,600। द मैनोमीटर, मैनोमीटर रीडिंग दिया हुआ है मीन्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मीन्स 0.3 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी ऐसे हो गया, ये वाटर फ्लो हो रहा है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे हो गया। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड निकालेंगे, उससे क्या निकलेगा, हमारा डिस्चार्ज निकलेगा, वाटर फ्लो रेट क्यू निकलेगा। तो हमारे हमको पता है प्रेशर हेड क्या होता है, H=XSM/S-1। यहाँ पे मैनोमीटर में फ्लूड क्या है, मर्क्यूरी है, तो इसको SHG भी लिख सकते हैं। और पाइप में क्या फ्लूड है, वाटर है, तो इसको SH2O भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है SM को SHG लिखा है और S को SH2 लिखा है। अब मेरे को यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया है, लेकिन मेरे को क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। यहाँ पे डेंसिटी का वैल्यू दिया, अब मेरे को पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी निकालूंगा, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। क्या होता है इसके लिए, वाटर होता है। सिमिलरली वाटर के लिए भी निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है एक्स SHG इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ SG अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर -1। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड जो है वाटर वो कट जाता है। हमारे पास क्या वैल्यू आता है, H=X डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर -1।
डायरेक्ट हम यहाँ पे से हमको अगर ये सब डिराइव नहीं करना है तो डायरेक्ट हमको प्रेशर हेड का फॉर्मूला पता रहता है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में है, डेंसिटी के टर्म पे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डेंसिटी के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हमको सब वैल्यू पता है, डेंसिटी वाटर मर्क्यूरी का पता है, वाटर का पता है, एक्स का वैल्यू भी पता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स 0.3, डेंसिटी दिया हुआ है 13,600, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 987 माइनस 1। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 3.834 मीटर। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर और ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये क्या है, स्टैंडर्ड है, इसका वैल्यू होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है इसलिए मैं इस फॉर्म में इसको लिखा हूँ। तो ये सॉल्व करने पर एच का वैल्यू आया हमारे पास, प्रेशर हेड का वैल्यू 3.834 मीटर। अब हमको वाटर फ्लो रेट निकालना है, वाटर फ्लो रेट मींस क्यू निकालना है, तो क्यू क्या होता है, सी डी ए वन ए ज़ीरो अंडर रूट 2gh अपॉन a1 को स्क्वायर माइनस a0 को स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, 0.6 इंटू a1 का वैल्यू क्या है 0.1963, a0 का वैल्यू क्या है 0.0314 अपॉन ये हो जाएगा 0.1963 का स्क्वायर माइनस 0.0314 का स्क्वायर अंडर रूट 2gh का वैल्यू हमने निकाला है 3.834। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हमको q का वैल्यू मिलता है 0.1655 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको वाटर फ्लो रेट निकालना था, ये हमारा वाटर फ्लो रेट हो गया। दूसरा हमको और क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू पाइप, मतलब क्या निकालना है, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वाटर उसका वेलोसिटी निकालना है, तो ये क्या होगा v1। तो हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है, q इक्वल टू a1 v1, v1 क्या होगा q अपॉन a1, q हमने निकाला है 0.1655, a1 क्या है हमारा 0.1963। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलता है 0.843 मीटर पर सेकंड। ये दो चीज़ हमको निकालना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमको ध्यान रखना है प्रेशर हेड डेंसिटी के टर्म पे लेना है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं इसको, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म पे है, इसको डायरेक्ट डेंसिटी के टर्म पे भी लिख सकते हैं। हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। यहाँ से हम पुट करेंगे डेंसिटी का वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डेंसिटी के टर्म पे ये आ जाता है। डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको प्रेशर हेड निकालना है, एक्स का वैल्यू हमको दिया था, ये डेंसिटी भी दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से प्रेशर हेड निकल जाएगा, इससे क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, क्यू का वैल्यू निकलेगा वहाँ से वेलोसिटी भी हम निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।